बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और मैंने आपको उसके बारे में क्लियरली बताया था कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कुछ हेडिंग्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से अगर हम 5-6 वर्ड्स एक जनरेशन के बारे में याद कर लेते हैं तो हम 4 जनरेशंस को कवर कर सकते हैं। आई होप कि वो आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जो भी डिटेल्स होती हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2 के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, अगर आप में से कोई देखना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। ऑलराइट जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग, इनपुट एंड आउटपुट, ये जो टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की, ये इन 4 क्वालिटीज के ऊपर, इन 4 करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये 3 टाइप्स आ रही है हमारे पास, कि डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्रोसेसिंग कैसे की जा रही है, इनपुट किस फॉर्म में ली जा रही है और आउटपुट किस फॉर्म में दी जा रही है। इन 4 चीजों को अपने जहन के अंदर रखें तो जो हमारी टाइप्स बनती है कंप्यूटर की, वो बनती है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। मूविंग ऑनवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनालॉग कंप्यूटर्स। Analog computers represent and process data by measuring quantities. Measuring quantities जो कि आगे चलकर अभी हम आपको बताएंगे, such as voltage and current to solve a problem. They work on supply of continuous signals as input and display output simultaneously. Measuring quantities और उसके अलावा जो उन्होंने आगे वर्ड यूज किया, supply of continuous signal, इससे मुराद ऐसी चीजें हैं जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर होती हैं, जैसे कोई लिक्विड है या गैस है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट काउंटेबल, यू कैन ओनली मेजर देम, दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड मेजरिंग क्वांटिटीज, राइट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर ऑफ एग्स, तो आप उसको डजन्स के अंदर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल को आप काउंट कर सकते हैं, इवन यू कैन काउंट नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, मेटाफोरिकली इवन कि आप लोग नंबर ऑफ स्टार्स को भी काउंट कर सकते हैं, पर ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जाता है, पानी है, दूध है, गैसेस हैं, करंट है, वोल्टेज है, तो इनको सिर्फ मेजर किया जाता है, यू कैन नॉट काउंट इट। तो ऐसी क्वांटिटीज के लिए, और जो ऐसी क्वांटिटीज की कॉन्टिन्यूस इनके ऊपर इनपुट आती है उसी वक्त इसकी आउटपुट आ सकती है, ऐसी क्वांटिटीज के लिए जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स की आगे फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये स्पेशल पर्पस होते हैं, मतलब किसी एक खास काम के लिए बनाए जाएंगे, ये जनरल पर्पस नहीं होते, इनको डिजाइन किया जाता है कोई एक खास काम करने के लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई एक खास काम करने के लिए। मोस्टली दीज डिवाइसेज आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ये इंजीनियरिंग के लिहाज से और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। काफी एक्यूरेसी जो होती है इनकी कंपैरेटिवली लो होती है, इफ यू कंपेयर देम विद डिजिटल कंप्यूटर्स दे आर लेस एक्यूरेट देन डिजिटल कंप्यूटर्स, पर ये फास्टर होते हैं स्पीड के अंदर डिजिटल कंप्यूटर्स के लिहाज से। डिजिटल कंप्यूटर्स ऑलरेडी बहुत फास्ट होते हैं, बट एनालॉग कंप्यूटर्स आर मोर फास्टर, दे आर फास्टर इन स्पीड इफ वी कंपेयर देम, राइट। दे मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा, इनके अंदर ज्यादातर इस तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, डायग्राम दी हुई है हमें, जिसके अंदर आपको एक वोल्ट मीटर दिखाया गया है। वोल्ट मीटर के अंदर ये देखिए, यहां से एक सुई लगी हुई है जो कि मेजर करती है। अगेन यहां पर डिजिटल मीटर अभी यहां पे इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ये एनालॉग फॉर्म में ही आपको रिजल्ट्स दे रही है, तो इट्स एन एनालॉग कंप्यूटर। और जी नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स इन डिजिट्स, ये डिजिट्स के अंदर काम करेगा। एवरीथिंग इन डिजिटल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड विद बाइनरी डिजिट्स, जीरोस एंड वंस। इसके अंदर दो क्लियर कट
वैल्यूज होंगी, स्टेटस होंगे, या वो जीरो होगा या वो वन होगा. It manipulates them at a very fast speed. Data and instructions are fed into the digital computer through an input device in the form of zeros and ones. The computer performs calculations on the data according to the instructions given in a computer program. The results of calculations are displayed on a monitor or printed on printer. Our digital computer is shown in figure. ये आपको जो normal आपका personal computer भी बिल्कुल exactly ऐसे ही नजर आता है, वो भी एक digital computer है. होता ही है कि इसके अंदर जो वैल्यूज दी जाती हैं, हम तो कीबोर्ड से अल्फाबेट्स प्रेस कर रहे होते हैं, पर वो करंट के साथ, करंट की शक्ल के अंदर, उसके अंदर जीरो और वन के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंचते हैं. हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर इसको जीरो और वन की फॉर्म में ही मैनिपुलेट करता है. उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है. डिजिटल कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट अ हाई स्पीड. इसकी जो क्वालिटीज है वो क्या है, ये स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है और हाई स्पीड के अंदर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करता है. द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट. नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने एनालॉग के अंदर पढ़ा था कि एनालॉग कंप्यूटर्स आर रिजल्ट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट. तो लिहाजा जब उसके रिजल्ट इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे तो रिलायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हम उसके जवाब के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते. डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स. डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और उसके बाद लाइक यू कैन यूज देम इन स्कूल्स, इन हॉस्पिटल्स, इन बैंक्स, इन पुलिस स्टेशन, तो यू कैन सी देम एनीवेयर. तो ये जनरल पर्पस हुए और इनको अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से कहीं पर भी एडजस्ट कर लिया जाता है. गॉट इट. Then we have hybrid computers. Hybrid computers क्या करते हैं, hybrid कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जिसके अंदर एक से ज्यादा technologies के combination को इस्तेमाल किया जा रहा हो. Now in these hybrid computers we are using the technologies of analog and digital. इसके अंदर analog और digital दोनों के characteristics मौजूद होते हैं. Combine the characteristics of both analog and digital computers. Hybrid computers are mainly used for scientific applications. जो के साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं. नाउ एनालॉग साइंटिफिक में भी होता था और इंजीनियरिंग में भी होता था. दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्पेसशिप्स, मिसाइल सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च, हॉस्पिटल्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. अब होता क्या, ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इसके अंदर इनपुट जो है वो कॉन्टिन्यूस मेजरिंग क्वांटिटी की जा रही है, जिसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, राइट, हार्ट बीट है. तो ये तीनों क्वांटिटीज क्या है, ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ये काउंटेबल क्वांटिटीज नहीं है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनालॉग फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज है. और ये वीएसएम के अंदर वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट के अंदर, ये अगर आप अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल जाएं तो वहां पर ये स्क्रीन आपको लगी हुई नजर आती है. यू कैन ऑल्सो सी इन डिफरेंट मूवीज एंड ड्रामाज एज वेल, तो वहां पर भी आपको ये नजर आएगा. और उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ डाटा के साथ वैल्यू उसके अंदर जा रही है और जो आउटपुट आ रही है वो नंबर्स के अंदर आ रही है, डिजिट्स के अंदर आ रही है. तो दे आर मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स. ओके जी, नीचे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे, इंपॉर्टेंट डाटा सच एज ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट एटसेट्रा. मूविंग ऑनवर्ड जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. नाउ अगेन इट्स क्लासिफिकेशन और टाइप्स बोथ आर द सेम थिंग, बट इट्स प्योरली ऑन डिजिटल कंप्यूटर्स. और ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ यूजर्स दे कैन सपोर्ट. सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जैसे कि इसके नाम से ही नजर आ रहा है कि ये सुपर है, ये सबसे ज्यादा बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर होता है, राइट. सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स. मूविंग ऑन, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूं कि यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स, टू फॉर डिजिटल एंड एटलीस्ट वन फॉर हाइब्रिड कंप्यूटर्स. सो सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दैट मस्ट हैंडल वेरी लार्ज डेटाबेसिस and do a great amount of computations. ये ऐसी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होगा जहां पे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होंगी, रिसर्च वगैरह हो रही होगी
और इसको बहुत ज्यादा बड़े डाटा के ऊपर, बहुत ज्यादा वैल्यूज के ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स और हैवी किस्म की कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं। जब रॉकेट्स वगैरह को बाहर भेजा जाता है, एटम बॉम्ब्स वगैरह को जब स्टडी किया जा रहा होता है, जब वेदर फोरकास्ट के हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के डाटा को जब कंप्यूट किया जा रहा होगा, ऐसी जगहों के ऊपर सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्वियसली इसकी पार भी बहुत ज्यादा है, स्पेस भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत ज्यादा है, तो दीज आर ऑलमोस्ट वेरी 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 एक्सपेंसिव, राइट? द स्पीड इज मेजर्ड इन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इनको हम TIPS के साथ इनकी इंस्ट्रक्शंस को काउंट किया जा रहा होता है। टिप्स इसकी एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एब्रिविएशन थी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक एक सेकेंड के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग, एज आई हैव टोल्ड यू। वेदर रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस कंप्यूटर्स टू मीट देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड फॉर प्रोसेसिंग डाटा विच रिक्वायर ट्रेमेंडस प्रोसेसिंग स्पीड, मेमरी एंड अदर सर्विसेस। फिगर 116 के अंदर आप एक सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं, जो कि कोलंबिया सुपर कंप्यूटर लोकेटेड एट द नासा एम्स रिसर्च सेंटर USA, अमेरिका के अंदर ये एक सुपर कंप्यूटर। ये सारा कुछ एक ही कंप्यूटर का हिस्सा है। ऑलराइट जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं, जो कि अर्ली 1940s के अंदर डेवलप हो रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी लार्ज, वेरी पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स दैट कैन सपोर्ट hundreds and even thousands of users. Now the difference between supercomputer and mainframe computer is कि supercomputer is specially designed for very complex computations or on a large amount of databases, right? जबकि mainframe computers का main purpose ना सिर्फ बहुत ज्यादा data है, बल्कि ये ऐसे computers हैं जिनको एक वक्त के अंदर हजारों users के साथ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर्स फेसबुक इज यूजिंग राइट नाउ, और व्हाट्सएप इज यूजिंग, या गूगल जो है हमारे पास सर्च इंजन, उसकी बैकएंड के ऊपर जो कंप्यूटर्स लगेंगे दे मस्ट बी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जैसे यू फोन और मोबिलिंक वाले जो कंप्यूटर्स अपने सेंटर्स कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होंगे। द मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दैट यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आप लोग 8th के अंदर पढ़ चुके हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इससे मुराद है। आर द फाउंडेशन ऑफ टूडेज बिजनेस इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एयर ट्रेवल, रिसर्च, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट and many of the public and private organizations. These computers can execute more than trillion instructions per second. Again, these have the same unit for measuring instructions जो के supercomputer के पास था, वो भी tips में ही आ गया। Some examples of mainframe computers are IBM's Z Enterprise, EC12, EC19196, HP 16500 series and HP Integrity Superdoom. A mainframe is shown in figure B116. ये एक mainframe computer आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। Then we have mini computers. Mini computers was introduced in 1960s. इसके अंदर IC chips इस्तेमाल की गई। मिनी कंप्यूटर्स इज बिगर देन अ माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं पर मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, और दीज कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये भी कोई हल्के कंप्यूटर नहीं है, ये भी अपने एक सेकेंड के अंदर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर दे कैन प्रोसेस मोर डाटा देन माइक्रो कंप्यूटर से तो बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं। टुडे मिनी कंप्यूटर्स विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर डाटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। दीज आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स सच एज PIA, नादरा, पुलिस डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। आई गेस यहां से हमें नादरा को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हंड्रेड्स और या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के साथ काम नहीं करता। ये तो वी आर अराउंड ऑन 5th नंबर इन वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो नादरा को मेरे ख्याल से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो खैर,
तो बाकी PIA हॉस्पिटल्स और यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, पुलिस स्टेशन वगैरह के अंदर जहाँ पर हंड्रेड ऑफ पीपल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। अ मिनी कंप्यूटर इज शोन इन फिगर 117। ये एक मिनी कंप्यूटर की डायग्राम यहाँ पर इन्होंने शो की हुई है, और एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर IBM, IBM सिस्टम 36 एंड HP 3000। ऑलराइट जी, इन द लास्ट वी हैव माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कहते हैं छोटे को। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द लो कॉस्ट कंप्यूटर्स। लो कॉस्ट सबसे ज्यादा सस्ते और सबसे ज्यादा छोटे। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले भी हैं। दीज कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन होम्स एंड ऑफिसेस। माइक्रो कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड। माइक्रो प्रोसेसर आपको याद है ना, कल हम लोगों ने इन जनरेशन को पढ़ते हुए वो डिस्कस किया था। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और हंड्रेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे वो IC चिप्स में थे। होपफुली आप लोग साथ साथ चीजें करते जा रहे हैं ताकि तभी आपको आएंगी, वरना इस तरह आपको ये सारी बातें याद नहीं रहेंगी। मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर्स हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड दे कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स, मिप्स मिलियन। अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन दीज कंप्यूटर्स, और इनके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर बेतहाशा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, राइट नाउ आई एम यूजिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर रीडिंग दिस बुक एंड फॉर रिकॉर्डिंग योर लेक्चर, और हर चीज के लिए, गेम्स के लिए, हर चीज का कोई ना कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। मोबाइल फोन्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। सम पॉपुलर कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर माइक्रो कंप्यूटर्स आर IBM, डेल, HP, तोशीबा, एसर, लिनोवो, एप्पल, बहुत ज्यादा है जी। अब माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, PC, IBM, लेनोवो सीरीज, डेल XPS सीरीज, HP, NY सीरीज आर सम पॉपुलर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स। एंड आई मैंने कल की क्लास के अंदर सीरीज के वर्ड को भी डिस्कस किया था। कल लेक्चर वन या लेक्चर टू के अंदर मैंने सीरीज की बात डिस्कस की थी कि एक कैटेगरी बना दी जाती है, जैसे होंडा वालों की एक सीरीज है, राइट, एक सिविक सीरीज है, एक सिटी सीरीज है। होप यू गॉट दैट, तो मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं। डू यू नो टुडे माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट ओनली यूज इन माइक्रो कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो यूज इन डिवाइसेज इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, कैमराज, वॉशिंग मशीन्स। ओके जी, नाउ आई हैव टू मोर क्वेश्चन फॉर यू। वट वी कॉल सच टाइप ऑफ डिवाइसेज विच यूज माइक्रो प्रोसेसर, ऐसी डिवाइसेज को आप क्या कहते हैं नॉर्मली, जिस वॉशिंग मशीन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा हो, ओवन में इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसी डिवाइसेस को आप क्या कहते हैं, और मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन किसके इक्वल होता है। टू मोर क्वेश्चंस फॉर यू, एंड आई गेस दिस इज दीज आर सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, और इसके अंदर आपके मोबाइल फोन्स भी आते हैं। आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।